कल वाराणसी ने एक तस्वीर देखी थी, लेकिन आज क्या वाराणसी का मिजाज है, वहां की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, उनसे बात की हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। काशी मोक्ष की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी, और बनारस की गलियां और सुबह दोनों ही मशहूर है। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके, और बनारस की गलियों में मूड भावने जनता का। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी संकरे रास्ते हैं और लोग जो है विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके निकल रहे हैं। गलियों में हमें ये झंडे जरूर नजर आए, आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हमें मिल गए जो कि गुजरात से आए हुए हैं और गुजरात में सोशल मीडिया में काम करते हैं। सोशल मीडिया ने काफी अहम भूमिका निभाई पूरे इस राजनीति के रण में। तो भैया आप लोग गुजरात से आ रहे हैं, तो क्या लगता है सोशल मीडिया में कौन ज्यादा हिट है? नरेंद्र मोदी ज्यादा हिट है, और बनारस में पिछले 2-3 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं, हमने बनारस के अंदर जो देखा है, न यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटा बिजली यहाँ पे चली जाती है, न सही रास्ते हैं, न और सही सारी व्यवस्था है। और बाकी लोग जो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं उनसे पूछते हैं, विश्वनाथ बाबा के दर्शन हुए, बनारस नगरी अद्भुत है ना? बनारस नगरी अद्भुत है, बहुत सुंदर है, बहुत सुकून मिलता है, यहाँ के लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही आदर देते हैं, और बाबा के दर्शन करके धन्य हो गए बिल्कुल। और यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं भैया, तो क्या आपको क्या लगता है कि किसका फीवर ज्यादा है? हमने भी यहाँ माहौल देखा है 3-4 दिन से, सब मतलब मोदी मोदी मोदी, सब लोग इतना मोदी को पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मोदी मोदी जीतेंगे, मोदी मोदी आएंगे। आप यही कहें कि बाहर के? मैं तो यही कहा हूँ। अच्छा, लेकिन कलकत्ता से आया हूँ, कलकत्ता रहता हूँ, कलकत्ता से मोदी मोदी को जिताने के लिए ही आया हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह चौबे मेरा नाम है। रमेश जी जो है कलकत्ता से आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं वोट डालने, आए हैं मोदी को जिताने के लिए आए हैं, अलग अलग जगह से, कोने से। आप भी बाहर से आए वोट डालने के लिए? जयपुर से हम आए हैं, हम मोदी जी को जिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। मोदी को जिताने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो वोटर हैं बनारस के, दूर दूर काम करते हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए बनारस में इसी तरह के महादेव के नारे आपको गूंजते हुए सुनाई देंगे। अद्भुत है ये गलियां, जहाँ पे ऐसा लगता है कि इस भीड़ में भी गजब की शांति है। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ मौसमी सिंह।